और जमीन का खुदा, तो यहां पर बंदार पर जो उतरने वाला है, जो होने वाला है, फरिश्ते भी उस अल्तार के चौके सजदा रेज हो जाते हैं। ये फर्स्ट एपिक्लेसिस, मैटर जो था रोटी और मैं, ये यीशु मसीह के बदन और खून में तब्दील होती फॉर्म और ये अल्फाज, यहां से ये काम शुरू हो जाता है। जब ये वो अदा हो जाते हैं तो फिर एक आम सी रोटी, उसको उठाकर काहिन जो फॉर्म है, अल्फाज है यीशु मसीह के, वो अदा करते हैं। रोटी ली, शुक्र किया, तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए। और फिर इसी तरह प्याले को लेकर तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। ये अल्फाज है, काहिन अदा करता है और इसके अदा करने से रोटी और मैं यीशु के बदन और खून में तब्दील हो जाती है और इस अमल को ट्रांससब्सटेंशिएशन कहा जाता है। पढ़े जरा ये लफ्ज, तोड़ तोड़ के पढ़े, ट्रांससब्सटेंशिएशन, सिएशन कह ले, ट्रांससिएशन कह ले, ट्रांससब्सटेंशिएशन डिफिकल्ट वर्ड है इंग्लिश में, शायद मैं कहता हूं सबसे लंबा है इसकी स्पेलिंग है, 18 इसमें अल्फाबेट्स हैं। काहिन के कहने से रोटी और मैं का यीशु के बदन और खून में तब्दील होना कि ट्रांससब्सटेंशिएशन कहलाता है। अभी जो नीचे मैंने लिखा हुआ है उसको भी पढ़ते हैं। दिस इज अ ट्रूथ ऑफ फेथ, बाय द कंसेक्रेशन द सब्सटेंस ऑफ द वाइन ceases to exist. The substance of bread is changed into the substance of the body of Christ and substance of wine into his blood. This change is called transubstantiation. जो मैंने आपको कहा रोटी और मैं नहीं रहती, substance उसका खत्म हो जाता है कि ये रोटी और मैं है, ये यीशु के बदन और खून में तब्दील हो जाती है और इस अमल को ट्रांससब्सटेंशिएशन कहा गया। लेकिन आपको यीशु का बदन और खून नजर नहीं आता, आपको नजर फिर वो आटे की रोटी आती है, आपको नजर फिर भी वो अंगूरी रस वह वही नजर आती है। ऐसा क्यों? एक और लफ्ज, द एक्सीडेंट ऑफ ब्रेड एंड वाइन सच एज, ये फिलोसॉफिकल टर्म से बीच में जो आप लोगों को बता, एक्सीडेंट, ये रोड वाला एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट्स जो इसमें ब्रेड एंड वाइन के, सच एज साइज, कलर, शेप, दैट रिमेन्स आफ्टर द चेंज अदरवाइज। ऐसे थॉमस अक्वाइनस नोट्स, इट वुड बी हॉरिबल फॉर अस टू ईट ह्यूमन फ्लैश। और ये बहुत बड़ी बरकत है, जो एक्सीलेंस है रोटी और मैगी, यानी उसका साइज, कलर, शेप, रंग, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन उसका जो ऐसे है टू बी, उसका होना वो तब्दील हो जाता है। अभी उसका होना ये नहीं है कि वो रोटी है, बल्कि ये है कि यीशु का बदन और खून। तो कलर एक्सीडेंट, उसकी कलर साइज सब कुछ वैसे रहता है। मुकद्दस थॉमस अक्विनस कहते हैं अगर ये वाकई यीशु के बदन और खून में और हमें नजर आता ही, तो हमारे लिए हॉरिबल हैबल ना ही होता कि हम इंसानी गोश्त पकड़कर खा रहे। दुनिया वैसे ही इसको कबूल नहीं करती। कल मैं कहीं पर देख रहा था कैथोलिक्स पर अराउंड द वर्ल्ड जो अटैक्स हो रहे हैं और बहुत सारे जगह पर ये इंसानी गोश्त खा और खाते और खून पीते हैं। इसकी पाक यूक्रिस्ट में जब दूसरे बात करते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह का बदन, ये
यीशु मसीह का बदन और खून ये कैथोलिक चर्च में। आप किसी दूसरे डिनोमिनेशन में जाते हैं वहां पर शायद कुर्बानियां अदा की जाती है, तो वहां पर ये ऐसा नहीं। मैं हमेशा कहता हूं अगर मैं इसके बाद पाकमास भी है नहीं, आप कभी पाकमास इतवार का जब यहां पर आएगा आप देखेंगे एक का ही यहां पर अगर पात्र हिलरी है मैं अटक में पाकमास करूंगा। हम इस रोटी और मैं पर ये अल्फाज अदा करेंगे तो ये यीशु के बदन और खून में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर आकाश उठकर अपना मामला दाल बना के करना शुरू कर दे या अटक में हमारा कौन सा डैनियल बैठा अभी गा रहा था या और भी पकड़कर ये अल्फाज कहना शुरू कर दे तो क्या ये यीशु का बदन और खून बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इख्तियार की बात है, जिस चर्च के पास ये इख्तियार है और आगे मुंतकिल किया जाता है पाप यूक्रिस्ट आपको उस चर्च में मिलेगी। जिस चर्च के पास इख्तियार नहीं है सर्व में है उनके पास आपको पाप यूक्रिस्ट नहीं मिलेगी। बेशक वो कहते रहे इल्फाज दोहराते रहे जो का भी पहले सब कुछ कर रहे कैथोलिक चर्च में ट्रांससब्सटेंशिएशन ट्रांसपेरेंट क्या मतलब है इसका? ट्रांसपेरेंट ये यहां पर शीशा लगा हुआ है मैं यहां से उस तरफ और आप उधर से इस तरफ देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट। और मैंने आपको कहा ट्रांससब्सटेंशिएशन ट्रांस जमीनी अल्तार और आसमानी यीशु का अल्तार बीच में कुछ भी नहीं रहता। दूसरे डिनोमिनेशन में जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना लफ्ज वो है को सब्सटेंशिएशन। जब तक हम इकट्ठे हैं जमायत है हमने दुआ की है ये यीशु का बदन और खून है, जमायत चली गई है हम इकट्ठे नहीं है तो ये यीशु का बदन और खून नहीं। कैथोलिक चर्च में नहीं, कैथोलिक चर्च में कहते हैं एक बार हो गया तो हो गया, यीशु का बदन और खून ही इसलिए आपको पाप संदूक सिर्फ कैथोलिक चर्च में नजर आएगा, दूसरे चर्चेस में नहीं है। आप गए होंगे अभी जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरे चर्चेस में पाक संदूक नहीं होता। हमारी पाक शाखा जो बच जाती है हम उसे पाक संदूक में रखते हैं कि ये यीशु का बदन ही है हमारा ईमान है इस बात का को सब्सटेंशिएशन। ये दूसरे चर्चेस की इसलिए मैंने आपसे कहा कैथोलिक चर्च में आप पाक शाखा लेते हैं दूसरे चर्चेस में आप वहां पर जाकर लेते हैं तो इसमें फर्क है। इसको आप एक ना बनाएं कि जी वो भी पाकशाल है उनका ईमान इस चीज पर अल्लाह का। और फिर ये सवाल बहुत बड़ा सवाल किया करें मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तानी दिमाग बहुत महंगा है। अटक से भी मेरे साथ कुछ हमारे बच्चे आए हुए हैं पाकिस्तानी दिमाग बहुत महंगा है और पता क्यों इस्तेमाल ही नहीं हुआ ब्रांड न्यू पैक सोचते नहीं है आप लेकिन सोचना चाहिए सवाल करने चाहिए यूथ नौजवान है आप और आपको तो ज्यादा सवाल करने चाहिए। आप सवाल करेंगे कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे आप। ये पहला था जो मैंने पहले बात की कि होली यूक्रिस्ट इज अ साइन दैट गॉड इज विद अस। पाक यूक्रिस्ट के वसीले से जब ये वाकई यीशु का बदन और खून बन जाता है तो ये बात गॉड इज विद अस हम ये पाक शाखा हमारे दरमियान है तो इसका मतलब ये है कि हमारा खुदा हमारे थक गए हैं नौजवान बुढ़े नौजवान अब नौजवान में कहते नवे नवे जवान लेकिन ये बुढ़े नौजवान है। दूसरी चीज होली यूक्रिस्ट मेक्स अस वन इन क्राइस्ट। पाकी यूक्रिस्ट हमें यस्सू के साथ एक बनाती है।
specifically directed to the inward union of faithful with Christ through communion. Example मैंने लिखा है ordinary food. अब आप खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम या इसके बीच में भी वो खाना आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है. अभी गौर करनी इस बात. आप खाना खाते हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, वो एनर्जी देता है और उसकी ताकत से आप चलते फिरते. लेकिन जब आप पाकशाक लेते हैं तो पाकशाक आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि पाकशाक आपको यस्सु के जिस्म का हिस्सा बना देती है. और यही मुकदस पालोस रसूल भी कहते हैं, वो सार है जो कलीसिया है, चर्च है, दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. पाक यूक्रिस्ट आपको यस्सु के साथ एक बना देती है. होली यूक्रिस्ट मेक्स अस पीपल ऑफ न्यू कवेनेंट, नए अहद के लोग. और ये कैसे, द फर्स्ट कवेनेंट एट माउंट सिनाई. खरूज की किताब 24 बाब 6-8 आयत, सेक्रीफाइस एंड ब्लड. जब खुदा ने शरीयत दी, कुर्बानी वहां पर हजरत मूसा ने की, जानवर का खून लेकर उसे दो हिस्सों में तकसीम किया. एक हिस्सा अल्तार पर डाला गया और दूसरा हिस्सा लोगों पर छिड़का गया. वहां पर अहद बांधा गया था लोगों के और खुदा के बीच में, क्योंकि लोगों ने शरीयत को सुनकर कहा था कि हम इस शरीयत पर अमल करेंगे और खुदा ने कि ये मेरी उम्मत होगी और मैं इनका खुदा हूं. दैट वॉज द फर्स्ट कवेनेंट, पहला अहद जो पुराने अहद अतीत में बांधा गया. जो नया अहद, मैंने कहा कि हमें पाकशाक नए अहद के लोग बनाते हैं. टेक दिस पॉलिसी जो यीशु मसीह ने आखिरी खाने के मौका पर इल्फास कहे थे, पाक प्याले को हाथ में लेके, टेक दिस ऑल ऑफ यू एंड ड्रिंक फ्रॉम इट फॉर दिस इज द चैलेंज ऑफ माय ब्लड, द ब्लड ऑफ द न्यू एंड इटर्नल कवेनेंट. इटर्नल का क्या मतलब है? हमेशा रहने वाला. शाबाश. खुदा के यीशु मसीह का न्यू एंड इटर्नल कवेनेंट विच विल बी पोर आउट फॉर यू एंड फॉर मेनी फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. यीशु दे रहा है और जब आप ले लेते हैं, पक्षा को क्या कहते हैं? मसीह का बदन. और आपका जवाब, आपका जवाब आमीन. हम ईमान रखते हैं ये वाकई मसीह का बदन है, ये वाकई नया अहद है, इटर्नल अवधि है, खत्म नहीं होने वाला. तो जब हम ये उसे कबूल करते हैं तो पाकशाकत के वसीले से, पाक यूक्रिस्ट के वसीले से हम नए अहद के लोग भी बन जाते हैं. नौजवान होते हैं और ये साल पाक यूक्रिस्ट का साल पाकिस्तान में हम क्या कर सकते हैं. मैंने जब ये मुझे पता चला यहां पर इस बातचीत करनी है, तो मैं पिंडी में सिस्टर्स की शॉप पे गया था, बिशप हाउस में. तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा पाक यूक्रिस्ट पे कोई किताब अच्छी नौजवानों के साथ बातचीत करने की, इस तरह का मवाद वहां पर मिल जाए मुझे. उन्होंने मुझे ये किताब उठाकर दे दी, यूक्रिस्ट सांझी मोहब्बत का सागरमा. मैंने इसमें पढ़ रहा था, मैं बाकी जितनी मैंने बातचीत की है मैंने इस किताब में से नहीं ली, लेकिन एक चीज जो मैंने इसमें से ली, बिशप आर्च बिशप सेबेस्टियन बिशप ऑफ लाहौर डायसिस, उन्होंने इस किताब में कुछ बातें लिखी हुई है जो हम कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर यूक्रिस्ट की बुनियादी मसीह तालीम को जाने और अपना. अगर ये वक्त यूक्रिस्ट है तो हम कोशिश करेंगे तो फिर कुछ पा सकेंगे ना. अगर हम कुछ कोशिश नहीं करते तो फिर हम कैसे कुछ पा सकते हैं. कलाम में लिखा हुआ, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो पाओगे.
लेकिन जब रोना शुरू करता है तो मां को भी फिक्र लगती है कि इसको शायद भूख लगी हुई है। आपको ढूंढना चाहिए, तलाश ईयर ऑफ द यूक्रेस्ट है तो ये क्यों है, क्यों इतनी बड़े टॉपिक पे यूक्रेस्ट में पूरा साल मखसूस कर दिया गया। बिशप साहब यही बात करें, यूक्रेस्ट की बुनियादी मसीही तालीम को जाने और बनाए और यीशु की मोहब्बत और शराकत में बढ़े और इस शराकत को ना सिर्फ मसीह के साथ बढ़ाए बल्कि दूसरे इंसानों के साथ भी माने। आप यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बनता जाए बनते जाएंगे। तो मैं तो अक्सर इस पे कहता हूं जो पालुस रसूल ने कहा था, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। आपने मसीह जीओगे तो फिर खुदा के साथ और इंसानों के साथ आपका रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता ही। आइए हम पाक यूक्रेस्ट का साल मनाते हुए हर इतवार को खसूसी तौर पाक मास में शरीक। पाक मास हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है इस पर भी सोचें। पाक मास में आप लोग आते हैं, पाक शक्ति लेते हैं, या आपके लिए कितनी अहमियत, कितनी स्ट्रगल करते हैं आप आने के लिए। साल के दौरान खसूसी तौर पर इसमें शरीक हो और बीइंग यंग पीपल दूसरों को भी मोटिवेट करें चर्च की तरफ आए। हमारे अटक में एक नौजवान है, आप इतना कर लें कि जितना यहां से सदर भी शायद ज्यादा दूर है, ये रेलवे स्टेशन इतना शायद फासला होगा, इलाके से एक नौजवान आता है चर्च में और अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। मैं जब फैमिली विजिट कर रहा हूं उनके घर गया, दोस्त के और भाई मुझे मिले, उसके वालद उसकी वालिदा मिले, उसकी बहन मुझे भाभी उसकी मिली, मैं उनसे मन का आप चर्च में क्यों नहीं आते, आपके घर का एक फर्जान हर इतवार चर्च में हर प्रोग्राम में आते, आप क्यों नहीं आते, हमें कोई लेकर जाने वाला नहीं, आपके घर से आ रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको कोई लेकर जाने वाला नहीं। नहीं, वो दोस्तों के साथ जाना पसंद करते हैं, हमें चर्च लेकर नहीं जाते। ईयर ऑफ द यूक्रेस्ट, अगर आप वाकई पाप यूक्रेस्ट की अहमियत को अपनी जिंदगी में उजागर करना चाहते हैं, कुछ मान लें इसको, तो फिर दूसरों को साथ लेकर आए, सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं दूसरों को भी खुदा की तरफ खींचे। शरीकों यीशु का पाक बदन और खून हासिल करके अपनी रूहानी जिंदगी में मजबूत नींस, पाक यूक्रेस्ट के जरिए रूहानी मजबूती पाकर यीशु की तरह मौत तक वफादार है। हम इंसानों की वफादारियां बड़ी भक्ति होती है, बड़े फायदे हम सोचते ना, जब तो फायदा हमारा, हम बड़े वफादार हर वक्त गुण गाने वाले लोग, लेकिन जब हमारा काम निकल जाए हमारी वफादारियां बदल जाती है। कलाम में भी लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का काश। फिर पूरे खानदान के साथ मिलकर पाक शाकर पाक मास में शरीक होकर खानदानी जिंदगी को मजबूत बनाए। अब आप लोग नौजवान हैं, आज नहीं तो कल, आप भी किसी खानदान का ही सकता, कल आप अपने खानदान को तश्कील दें, लेकिन बुनियाद रखें मजबूती पर, चट्टान पर, रेत पर नहीं। रेत पर रखेंगे तूफान आंधियां दुख तकलीफें परेशानियां सब कुछ उड़ जाता है, बिखर जाता है। यीशु की तरह दूसरों के लिए अपने आप को तोड़े और कुर्बानी देना सीखें। बर्दाश्त कितनी है, नौजवानों में वाकई बड़ा जोश होता है, लड़ाई झगड़े क्या क्या कुछ हम नहीं करते, लेकिन यीशु की तरह अपने आप को, जब देखिए एक बार तबद्दल का वक्त आ गया उसके बाद हमारे बाप की दुआ और उसके बाद रोटी को तोड़ा जाता है, उस वक्त वो रोटी नहीं यीशु का बदन है, यही सभी पर हुआ। हम अपने आप को तोड़े यीशु की तरह, पाक यूक्रेस्ट की बरकत से तकब्बर और मकरूरी को छोड़कर हलीम और परोतर बने। हम मसीही हैं कि नहीं, हम मसीही हैं या नहीं है, मसीही कुछ चला तो शक है,
मसीह है या नहीं? जी है, लेकिन हम मसीह की तरह के नहीं है। मसीही होने का मतलब यह मसीह की तरह की। इब्तदाई कलीसिया में मसीह को ताना मारा गया था, यह उसकी तरह बनकर रहना चाहते, उसकी तरह जिंदगी गुजारना, इसलिए उनको मसीही कहा गया। क्रिश्चियंस हु ट्राइड टू लिव लाइक क्राइस्ट, हम मसीही कहते हैं, हां हैं, लेकिन मसीह की तरह की नहीं है। पापी उपवास के सैक्रमेंट के फजल से बदला लेने की बजाय एक दूसरे को मुआफ करें, यूक्रिस्टी कुर्बानी में शामिल होकर दुनिया के लिए, अपने वतन के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए दुआ करें कि सलामती कायम रहे। ये अल्फाज आर्चबिशप सेबेस्टियन शॉ, बिशप ऑफ लाहौर डायसिसन के देवक, वैसे के वैसे ही आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये आप करें। अगर आप वाकई पापी यूक्रिस्ट को अपनी जिंदगी का मरकज मानते हैं तो दरवाजे खुलेंगे बरकतों के और रहमतों को। हम पाक यूक्रिस्ट की इतनी ज्यादा ताजीम क्यों करते हैं? सल्वेशन इज फॉर्न इन नो वन एल्स, ये कलाम में लिखा हुआ है। For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। एक ही नाम बख्शा गया है, और वो कौन सा है? यीशु नाम। कौन सा है? यीशु नाम। कौन सा है? यीशु नाम। यीशु नाम है, इसी के वसीले से निजात है। और पाक यूक्रिस्ट का नाम ही यीशु है। यूक्रिस्ट में जो हम पाते हैं वो यीशु मसीह ही है, उसी का बदन और खून है। लेकिन आज के दौर आप मुआशरे में रहते जिंदगी गुजारते हैं, हु इज माई गॉड, मेरा खुदा कौन? एक तो है खुदा जिसमें चर्च में जिसकी हम बंदगी करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन हु इज माई गॉड रियलिटी में, दुनिया में रहते हो। आपके सामने आ गए, इज इट मनी, इज इट पावर, इज इट प्लेजर, माई टैलेंट्स, माई सक्सेस कि ये मैंने अचीव किया, और एनी अदर मैन मेड थिंग, मेरा मोबाइल, ये तो सबसे बड़ा था ना, ये आजकल का सबसे बड़ा था ना, अभी भी एक दो तीन कितने मोबाइल ऊपर उठाए थे है? वो हमारे जो मौजूदा छुपाने वाला है वो फ्रांसिस, उन्होंने कहा था पाप मास में जब ये कहा जाता है हम उर्दू में कहते हैं अपना ध्यान खुदा हम की तरफ लगाए, हम ध्यान लगा दें। इंग्लिश में पहले कहते थे लॉर्ड बी विद यू एंड विद योर स्पिरिट, लोग जवाब देते रेज योर हार्ट्स, अपने दिलों को बुलंद करें, अपने दिलों को खुदा की तरफ लगाएं। पोप फ्रांसिस कहते हैं काहिन ये आपसे कह रहा है अपने दिलों को खुदा की तरफ लगाएं, आप अपने मोबाइल भेज कर देते। बिशप गुजरे कोई भी गुजरे सेल्फी है या वीडियो बना रहे हैं, सारा कुछ ही कुछ चल रहा है। Who is my God? Being young, नौजवान होते हुए ये सवाल आपने आपसे पूछा, ये बहुत जरूरी है। दिलचस्पियां सब कुछ एक हमारे साथ साथ जिंदगी में चलते, दुनिया हमारे सामने ये सब कुछ रखती है, मनी पावर प्लेजर, माय टैलेंट्स, मैं किस लिए इस्तेमाल करता हूं। मैंने एक बार शर्जील को बोला, मैंने कहा ये शो वगैरह होते हैं अब मोहम्मद जान के साथ चलो तबला बजाओ आपकी कुछ इनकम बढ़ेगी। उसने मुझे कहा बजाना है तो सिर्फ खुदा के लिए वरना नहीं बजाना। आपकी जिंदगी वरना हम आजकल होता क्या है जब सीक्रेट होते हैं ना तो फिर हम चर्च में बजाते हैं,
प्रैक्टिस हो जाती है ना हमारी, और जब सीख जाते हैं फिर हम कहीं और जाकर बजाते हैं, फिर हम चर्च की तरफ रुख नहीं करते। सक्सेस, जितने कामयाब होते जाए हमें चर्च में आकर दुआ करना अच्छा नहीं लगता, आम लोगों के बीच में बैठना अच्छा नहीं। एनी अदर मैन मेड थी, हु इज माई गॉड, अपने आप से पूछिए। और मैंने आपसे शुरू में कहा आई डोंट नो व्हाट माई फ्यूचर होल्ड्स, बट आई नो हु होल्ड्स माई फ्यूचर। अपने ईमान में पक्ष योग एक ऐसी चीज आप जुड़ जाए इस रियलिटी के साथ, आप जुड़ जाए इस बेंग के साथ, आप यूक्रिस्ट, आप ये कह सकते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कल मेरा मुस्तकबिल क्या होने वाला है, लेकिन मैं उसको जानता हूं जिसके हाथ में मेरा फ्यूचर है। हम दुनिया में अपनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन दानिया आपको याद रखे, उसके दोस्तों को याद रखे, उन्होंने कहा था सात पाद हमें देना, या जो कुछ हमने सजदा खुदा को करना और किसी को नहीं, आपकी बट्टी में शेरों के गार में फेंक दिए गए। वो ये नहीं जानते थे कल क्या होने, वो उसको जानते थे जिसके हाथ में कल, उसकी बंदगी पर सिर्फ वो कमिटेड अपने आप को कर लिया था उन्होंने, तो देखिए शेरों के भी मुंह बंद हो गए थे, आग ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। अपना आप आज खुदावंत को दे दे, कल आपका आला से आला ही होगा। शेर का बका बच्चा जो है वो भूखा मर सकता है, लेकिन खुदा का बेटा नहीं, वो नहीं तड़पेगा सिसके का, वो उसकी हिफाजत में रहेगा। खुदा अगर आप मानते, मैंने कहा पाक यूक्रिस्ट का दूसरा नाम यस्सू, आप इस दुनिया में रहते हुए पैसे को अपना खुदा बना ले, आप ताकत को, प्लेजर को, सक्सेस को, किसी भी चीज को, अपने मोबाइल को खुदा बना ले, लेकिन अगर कुछ हासिल करना ही चाहते हैं तो उसको बनाए जो हर एक चीज का मालिक है। टाइटल्स देख ले यसु के बारे में कहते हैं, अगर आप अपना खुदा बनाना ही चाहते हैं तो उसको बनाए जो अल्फा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है। अगर आप अपना खुदा बनाना ही चाहते हैं तो उसका उसको बनाए जो पानियों पर चलता है, आप उसको खुदा बनाए जो अपने मुंह के कलाम से जिंदगियों को बदल देता है। पाक यूक्रिस्ट में वो खुदा आपके पास मौजूद है। दुनिया में बड़े ही लोग इस नेमत से महरूम हैं, बड़े ही लोग। आप लोग शहरों में रहते हैं, चर्चेस के नजदीक है आपको, गिरजाघरों के नजदीक है आपको, हमें जितनी बरकत इससे हासिल करनी चाहिए, जितनी ताकत और कुवत इससे हासिल करनी चाहिए, वो हम नहीं करते, वो हम नहीं करते। We take things for granted. हमें वैल्यू अहमियत नहीं इनकी समझ आती, आते हैं शिरकत की और चले गए। दिया हमें यसू ज्यादा, लेकिन उस यसू को हम शायद यहीं पर छोड़ जाते हैं, रास्ते में कहीं छोड़ जाते हैं, कहीं और छोड़ जाते हैं, जिंदगी में साथ लेकर नहीं जाते। पाक यूक्रिस्ट में यसू हमें दिया जाता है, और जिसके पास यसू है उसके पास क्या किसी चीज की कमी हो सकती है? अपना आप उसे दें मुकम्मल तौर पर, जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, जवानी के दिन, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों का मशहूर फल कौन सा है? आम। कौन सा? आम है कि कितना ही आम, मैं कह रहा हूं खास कौन सा है? अब पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई ना, एक कमरे में बैठा हुआ है और दूसरा बंदा माल्टा लेकर अंदर आया, आके उससे पूछता है इन्नू की कहने दे, कहता किन्नू, कहता कैन्नू, फिर कहते किन्नू, नहीं एन्नू किन्नू। तो आम आप कह
तरोताजा जूस सी और दूसरा किसी ने सुरा करके पुलपुला करके सारा जूस पी लिया हो, दूसरा इस हाथ में, तो मैं आपको दोनों ऑफर करता हूं, आप कौन सा पसंद करेंगे? जो फ्रेश है, जो तरोताजा है। तो यही खुदा भी चाहता है, जब ताकत है, कुवत है, जवानी है, तब आप खुदा को नहीं देते। जब कमर में टांगे पड़ी होती है उस जैसे हुए आम की तरह फिर हम कर, फिर हम अल्लाह अल्लाह खुदा 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 फिर हम करना शुरू करते हैं, तब और बरकत है। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, फरिश्तों की तरह के फरिश्तों की मानिंद है। अब इस वक्त अपना आप खुदा को दे सौंपें, फरिश्तों की मानिंद आपकी जिंदगी होगी, खुदा की हजूरी और बरकत। खुदा आप सबों को बरकत दे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर हिलरी कमेटी का कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ आकर पाक यूक्रेस पर बात करूं। मैंने कोशिश की सादे से सादे तरीके से इस पर बातचीत कर सकूं। मैं आपको बता रहा था ये किताब मैंने ये खरीदी, लेकिन मैंने इसकी हेडिंग सवाल वगैरह देखे, मैंने जब अपने कंप्यूटर में सर्च मारी तो मेरे सेवरे टाइम के जो असाइनमेंट्स और सारा कुछ चर्च फादर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ था, फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस, वो सारे का सारा मवाद सामने आ गया। और मैं उसको देख कर मैंने पॉइंट्स लिए बीच में से, लेकिन मैं देख कर ये सुनाकर मैं ये वहां पर खड़े होकर सुनाना शुरू हो गया तो वो बैठे होंगे ये ऊपर से गुजरता जाएगा, सादे से सादे तरीके से, ताकि हम बरकत फजल कुछ हासिल कर सके। कल इतवार है, कल हम जब पाक शकत के लिए आए तो ये कुछ डिफरेंट हमारे लिए हो, हम समझें कि ये क्या आम चीज नहीं है, आसमानी गिज़ा। पुराने अदनामे में मन बरसाया गया था बनी इसराइल पर, आप जानते हैं मन जो बरसाया गया था उसमें पाक शकत में क्या फर्क है? तश्बीह पाक शकत उसके साथ भी दी जाती है, जानते हैं फर्क क्या? एक चर्च फादर है वो कहते हैं मैना मन इंग्लिश में कहते हैं मैना बिलोंग्स टू हेवन बट द यूक्रिस्ट बिलोंग्स